जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज आप देखेंगे राजधानी दिल्ली के निर्माण विहार में नववर्ष के उपलक्ष्य में 3 जनवरी को संपन्न हुए श्री भक्तामर महामंडल विधान की पावन झलकियां। परम पूज्य राष्ट्रसंत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्त सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में ये आयोजन बेहद प्रभावपूर्ण अंदाज में विशेष भक्ति और आनंद के साथ संपन्न हुआ। तो चलिए प्रारंभ से शुरू करते हैं इस प्रस्तुति को। कार्यक्रम के प्रारंभ में आयोजन समिति ने पूज्य उपाध्याय श्री को श्रीफल भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मन में वेद बना मन दीपक मद यौवन की धूप जला, सब पद में अर्पित कर श्रीफल पूजन गाये अर्ज बना। तन मन मन अर्पण किया, रहा न कुछ भी से, अष्ट द्रव्य से पूज कर पाओ गुरु का वे। रोम उपाध्याय 108 श्री गुप्ति सागर जी मुनिराज क्षण कमलाभ्याम अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपम। इसके बाद विधान की क्रियाओं को आरंभ किया गया और सर्वप्रथम सौभाग्यशाली भक्त परिवारों द्वारा मांडले पर मंगल कलश एवं अष्ट प्रातिहार्य आदि स्थापित किए गए। नाथ भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो। श्री मदादी भ्रमण में तस्वीर धीमान हुंडा सपना पंचम काले दुक्म काले बीच में मध्यलो के जमुदी के भरत क्षेत्र आरखंडे हुंडा सर्पणयाम पंचम काले दुख्म काले वी निर्वाण गते द्विशत मशतक सप्तम सद मासे माशानाम मासे कोष मासे कृष्ण पक्षे पंचम्याम आदित्यवासानम। ओम रेम अज्ञानते मेरा पराय दीप मंगल दीकव दीपम प्रज्वलयामीति स्वाहा। शुभ वृक्ष स्थापनम करोमीति स्वाहा। उम्नी असिंहासन प्रतिहार्य श्रीयै स्वाहा। ओरिं छत्रत्रय श्रीयै स्वाहा। ओरि भामंडल श्रीयै इस पे पुष्प पे हमने श्रीयै स्वाहा। तीन छत्र पे हमने दीप ओरि चमर श्रीयै स्वाहा। दुंदुनी धरा दे आदिनाथ जिनेन्द्राय दुष्टाष्टकर्णाय रूपम नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय मोक्षफल प्राप्तये फलम नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घफल प्राप्तये दिव्यार्घम नृपामति स्वाहा। कार्यक्रम में आगे अतिथि महानुभावों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मेरे गुरुदेवा अज्ञान तिमिर हरम दीपकम प्रज्वलयामि। पागर के खिलती मुरझाई हृदय कभी भावों की निर्मल धारा में अवगाहन करने आया। मेरा सारा दुख दर्द हरो है अर्ज भेटने आया। गुप्ति सागर जी मुनिन्द्राय चरण कमलाभ्याम अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरुपामति स्वाहा। तदुपरांत विधान पूजन शुरू हुआ और उपस्थित सौभाग्यशाली भक्त परिवारों ने एक एक कर अर्घ समर्पित करना आरंभ किया। दीप प्रज्वलनम करोमीति स्वाहा। श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलनम करोमीति स्वाहा। श्री नाना दुख समुद्र तारणाय क्लीम महाबीज अक्षर सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपामि समुद्र तारणाय क्लीम महावीर अक्षर सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलनम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं सकल कार्य सिद्धि कराय
क्लीम महाबीजक सरसीताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि इति स्वाहा। दीप प्रज्वलनम करोमि इति स्वाहा। पति संस्तभिन भव संतति सन्निमेल मसेशकासो सूर्यांशो इन्द्रमेव सार्वभौमं। क्लीं महाबीजकसरसीताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि इति स्वाहा। मान्तुंगाचार्य ने वो कहते हैं मत पे कि नाथ, हे नाथ मैं मानता हूं कि मैं अल्प बुद्धि वाला हूं, तनु यानी कम छोटी बुद्धि वाला हूं धिया, और ये भी मानता हूं कि मैं अल्प बुद्धि वाला होकर के भी आपके स्तवन को प्रारंभ कर रहा हूं। आपके ही प्रभाव से भगवान मेरा ये कार्य होगा कि यह भक्तांबर स्तोत्र लोगों के चित्त को हरण करेगा, और ऐसा हरण किया कि आज जगह जगह पर स्त्रोत्र में यदि कोई प्रमुख है तो भक्तांबर स्त्रोत्र है। क्लेमा बीजक सरसहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि इति स्वाहा। पूजा करो करो मेरा कल्याण, करो मेरा कल्याण। ओम क्लीम अष्टदल कमलाधिपते श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। पूर्णर्गम रूप मामुति स्वाहा। मनोवांछित फल प्रदात्रे क्लीं महाबीजकसरसहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घं रपमामति स्वाहा। महाबीजाक्षरसहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि इति स्वाहा। क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि इति स्वाहा। क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि इति तेरे दर पर धूम मचाएंगे, तुमको हम धूम रिझाएंगे। तेरे दर पर धूम मचाएंगे, तुमको हम धूम रिझाएंगे। बाबा जी दर पर धूम मचाएंगे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से भक्तांबर महिमा गाले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। नए साल में गुरुदेव के चरणों में हम भक्तांबर महिमा गाए, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, भवस कर जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, भवस कर जाएगा, भवस कर जाएगा। तेरे दर पर धूम मचाएंगे, तुमको हम धूम रिझाएंगे। तेरे दर पर धूम मचाएंगे, तुमको हम धूम रिझाएंगे। दीवानी गोपी सागर आपकी, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी,
जिसका नंबर है आइए ना भक्ति करते हुए और आप सभी दोनों हाथ से ताली बजाते हुए। सारी दुनिया है दीवानी हे गुरुवर आपकी, गुरुवर तेरे दर पर धूम मचाएंगे, तुमको हम खूब रिझाएंगे, तेरे दर पर धूम मचाएंगे तुमको हम। विधान के दौरान भक्तगण मधुर लहरियों से ताल मिलाकर भक्ति नृत्य भी करते हैं। तेरे दर पर उतर जाएंगे, तुमको हम खूब मनाएंगे, तेरे दर पर साल में भिन्न करी हे गुरुवर, तेरे दर पर धूम मचाएंगे। मन में जब से तेरी तस्वीर बन गई, सागर गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई, गुप्ति सागर गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। मन दर्पण में ओ, मन दर्पण में जब से तेरी तस्वीर बन गई, गुप्ति सागर गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई, गुप्ति सागर गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसास, तुम खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसास, तुम खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसास। आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, दीप प्रज्वलनम करोमि इति स्वाहा। श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः, दीप प्रज्वलनम करोमि इति कर रोग जलो धर सौजनीय प्राणी की दशा, अति दयामय हुई अवस्था छोड़ चुका जीवन आशा। श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, अर्घम निर्वपामी दी नाना विध कठिन बंधन दूर करनाय, क्लीम महावीजाक्षर सहिताय। श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, अर्घम निर्वपामी दी साहा। श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। प्रज्वलन करोमि प्रेम सकलकारे साधन समर्थाय, क्लीम महावीजाक्षर सहिताय। श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, दीप प्रज्वलनम करोमीति हमारे सर से ये मन नाचू ओके मगन, नाचू ओके मगन मेरा सांवलिया, सांवलिया ने भी बुला ले बाबा का नगरिया, ने भी बुला ले सब बिघ्न हरे सब तोष करे, संसार तजे सब सिख पावे, जो संस्कृति करता सी को पाता, रोग सोग सब नस जाए। मैं अर्घ लिया है चरण दिया है आदि प्रभु भवार करो, श्री वांग तुंग सो सेम से नहीं सौरभ का उद्धार करो। तो माने भी बुला ले बाबा थारी ये नगरिया, माने भी बुला ले बाबा थारी नगरिया। श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय नमः, पुनर्गम रपमामति। आदिनाथ भगवान की नमार्गम रपामति। ओम ह्रीम अरम नमो सबो हि जनानम अर्घम रपमामति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो अनंतो हि जनानम अर्घम रपमामति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो कोटिबुद्धिणम अर्घम रपमामति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो बीजबुद्धिणम नमः अर्घम रपमामति। ओम ह्रीम अरम नमो पत्ये बुद्धिणम अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो भोये बुद्धिणम अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो ऋजुमदीनम अर्घम निर्वपामिति स्वाहा।
ओम रिमरम नमो विहुल मदीना मर्गम निर्वपामिति ओम रिमरम नमो चारणान मर्गम निर्वपामिति ओम रिमरम नमो पन्न समनान मर्गम निर्वपामिति ओम रिमरम नमो तत्त तवान मर्गम निर्वपामिति ओम रिमरम नमो महातवान मर्गम निर्वपामिति ओम रिमरम नमो जल्लोसई पत्तान मर्गम निर्वपामिति ओम रिमरम नमो विप्पोसई पत्तान मर्गम निर्वपामिति ओम रिमरम नमो सब्बोसई पुमरिमरम नमो वचन बलिन मर्गम निर्वपामिति ओम रिमरम नमो महूर सबीन मर्गम निर्वपामिति ओम रिमरम नमो अमीय सबीन मर्गम निर्वपामिति ओम रिमरम नमो अखिन महान सान मर्गम निर्वपामिति ओम रिमरम नमो वर्धमानान मर्गम निर्वपामिति। विधान पूजन के उपरांत कैथवाड़ा से पधारे भक्तों ने झूमते गाते हुए उपाध्याय श्री को पंच कल्याणक हेतु श्री फल भेंट किया। करो पंच कल्याण के अवसर आया है, करो पंच कल्याण के अवसर आया है। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरु सुदीप सुधूप पलारु धवल मंगल गाने रवा तुले देख रहे मुनि राज महबीजे। उपाध्याय मुनि गुप्ती सागर महाराज पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर सकल जैन समाज कैथबाड़ा आसपास की सारी एरिया आपसे पंचकणक हेतु निवेदन करने आपका सानिध्य लेने के लिए आपका मार्गदर्शन में ये पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करने जा रहे हैं। आप अपनी स्वीकृति देकर के हम सभी को लाभान्वित करावे। परम पूज्य उपाध्याय मुनि गुप्ती सागर जी महाराज जी के चरणों में जला दिया अर्घ हमने पामती। महिला मंडल की कुछ महिलाएं निवेदन कर रही हैं। तो हमने सोच लिया कै तुम्हारा बुलाने का गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर। कौन कहता है कि सपने साकार नहीं होते, और होते हैं तो सत्य का आकार नहीं होते, और होते हैं तो सत्य का आकार नहीं होते। लेकिन आज हम कैथवाड़ा वासियों के सपने साकार हो गए, लेकिन आज हम कैथवाड़ा वासियों के सपने साकार हो गए, और सपनों से भरी आस में गुप्ती सागर मिल गए, गुप्ती सागर मिल गए, गुप्ती सागर। हे गुरुवार, हम सब एक छोटी सी नगरी कैथवाड़ा से आपके पास एक विनती करने आए हैं। हमारे यहाँ जिसका आज तक पंचकल्याणक नहीं हुआ, प्रथम बार हम सब आपके सानिध्य में अपने मंदिर जी का श्री नेमिनाथ भगवान जी का पंचकल्याणक कराना चाहते हैं। हम सबकी अभिलाषा इस छोटी सी नगरी का उद्धार करें। नमोस्तु गुरुवार। आज हमारे बीच में प्रीत विहार में निर्वाण विहार में कैथवाड़ा समाज भी यहाँ पर आई है, इनका भी अभिनंदन, और इन्हें भी गुरुदेव से आशीर्वाद मिले। बंधुओं, जहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद हो वहाँ पर चमत्कार तो वैसे ही निश्चित है, और ये चमत्कार राणा प्रताप बाग को भी अगर मिला है तो निर्वाण विहार प्रीत विहार की वजह से मिला है। एक ऐसा चमत्कार जहां पर 50-50 साल से लोग मंदिर नहीं आए, और आज वो रोज सुबह और शाम दोनों टाइम आते हैं। ऐसे बच्चे जो 30 साल की उम्र में भी कभी मंदिर नहीं आए वो भी वहां मंदिर आने लग गए, और अगर हमने शांति धारा वहां पर शुरू की तो रोज 15-20 नाम हमारे पास में शांति धारा में, और कल करीब 917 नाम हमारे पास में आए थे, जिसमें एक घंटे तक केवल हमारी शांति धारा चली। और उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, आपने देखा या नहीं देखा मुझे पता नहीं, आपने अपना सौभाग्य जगाया या नहीं जगाया,
परंतु ऐसा विधान जिसके अंदर कम से कम 700 से 800 लोग आते रहे और जाते रहे, क्योंकि रुकने की किसी को हमने परमिशन नहीं दी थी। आज उस मंदिर का जो चमत्कार है वह ऐसा है कि मुझे बताने की जरूरत किसी को भी नहीं है। वहां पर दस लक्षण जी पर्व में शायद पूरे विश्व में अगर एकमात्र लाइव पूजा हुई है तो सिर्फ राणा प्रताप बाग में हुई है। पूजा सब जगह हुई होगी, परंतु हमारे यहाँ पे कोरोना बिल्कुल मंदिर के चार दीवारी के बाहर था, अंदर नहीं था। 31 गज की राशि दी है श्रीमान वीरेंद्र जी सोनी, पायल जी सोनी, प्रीत विहार, श्रीमान सुनील जी जैन मोना जनरेटर, अनीता जी जैन गुप्ती सागर विद्यापीठ ट्रस्ट के निर्माण विहार के अध्यक्ष कहें, चेयरमैन कहें, कुछ भी कहें, आज इनका भी हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग मिला है। धन्ना भैया परिवार 11 गज की राशि इनके परिवार की तरफ से और 31 गज की राशि हमारे परिवार की तरफ से दी गई है। बाकी 1 गज 2 गज 5 गज 10 गज काफी लोगों ने दी है, उसी से 400 गज के करीब की राशि हमारे पास हो चुकी है। मात्र 100 गज की राशि बची है, जो भी अपना नाम देना चाहें यहाँ पर दे दे में और इस पुण्य को कमाएं। जय बोले उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय हो। हमें लग रहा था कि भाई यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन महाराज जी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है पवन, कोई तकलीफ नहीं है, तुम आराम से पूजा पाठ करो। हमारे जो गुप्ती सागर विद्यापीठ के अंतर्गत हमने कामयाब संस्था स्टार्ट की थी, महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी ने प्रेरणा दी कि भाई ये संस्था स्टार्ट करो। जो हमारे जैन बच्चे हैं वो बहुत पढ़ाई में तो बहुत आगे हैं, लेकिन बड़े पदों पर नहीं है, वो IAS IPS IRS वगैरह बहुत कम बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि भी देश में हमारे जो समाज के बच्चे वो आगे आएं, वो देश की सत्ता को संभालें, जिससे जैन धर्म को आगे बढ़ावा मिल सके, क्योंकि जैनियों का बहुत ज़्यादा हमारे देश में अल्पसंख्यक होने के नाते बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जो तन मन धन से सेवा कर सके, हमारा जो दो मिशन है अभी एक कामयाब मिशन चल रहा है और एक चल रहा है राणा प्रताप बाग में, जो पवन जी हमारे वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और 400 गज जगह के पैसे इकट्ठे भी हो चुके हैं जो इन्होंने बताया। सभी के बाद पूज्य उपाध्याय श्री अपनी मंगलवाणी से भक्तों को अभिभूत करते हैं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की। महानुभाव, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे बड़ा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास और सबसे बढ़िया दवा हंसी। और आश्चर्य की बात ये कि ये सब निःशुल्क है। आइए और आज के इस भव्य आयोजन में बुद्धि निःशुल्क, धैर्य निःशुल्क, विश्वास निःशुल्क और हंसी भी आपको निःशुल्क मिलने वाली है। यहां बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए, इन्होंने हंसने का ठेका ही ले रखा है। हम आज आपसे कहना चाहते हैं सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है। एक बुद्धिमान बच्चा, एक बुद्धिमान शिक्षक, एक बहुत ही सुंदर किताब और एक कलम दुनिया को बदल सकती है। भगवान तीर्थंकर एक होते हैं और पूरी धरती के लिए, तीन लोक के लिए निर्देशक होते हैं। गली गली में निर्देशक की आवश्यकता नहीं, एक साधे सब सधे। आदिनाथ भगवान की चरणों की पूजा करने लग जाए सब कुछ काम हो जाएगा। एक बुद्धिमान साहसी बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और कलम पूरी दुनिया को बदल सकती है।
लेकिन लोगों की आदत ऐसी है कि एक में मन नहीं भरता, एक और चाहिए, एक और चाहिए। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब, एक कलम संभाल के रखी जाए तो भी बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन बच्चे को कौन संभाले, शिक्षक कौन अनुशासन में रहे, और तीर्थंकरों की भाषा जिसमें लिखी हो किताब और कलम, जिस कलम के नीचे हमारे तीर्थंकर का नाम हो, कितने तहजीब से वो कलम चलाने की जरूरत है। धर्मस्नेही बंधुओं, मैं आपसे कहना इन चार बिंदु पर चाहता हूं कि सबसे बड़ी संसार की संपत्ति बुद्धि है। एक बुद्धिमान संतान पूरे कुल कुटुंब और देश का नाम चला सकता है, लेकिन मंद बुद्धि बच्चे परिवार को भी नहीं चला सकते। हमें मंद बुद्धि की नहीं, प्रखर बुद्धि की आवश्यकता है। तीर्थंकर जैसे जीवंत महामना व्यक्ति की आवश्यकता है। 125 करोड़ आदमी इस देश को नहीं चला सकते हैं, चंद्र लोग ही होते हैं जिनकी मेधा इस देश को चलाने में, इस धर्म को चलाने में अग्रणी होती है। दीपक एक जलता है, प्रकाश बहुतों को मिलता है, रोशनी उसके उजाले में लोग अपने अपने काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुद्धिमान बच्चे अगर चाहिए है तो सत्संग में जाना सीखिए, क्लब, किटी पार्टी जीवन के लिए अंधेरा भरने वाले। खासकर मैं एक महिला से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, उससे बात हुई तो कहती महाराज मैं कोई मंडल में रहना चाहती, ना क्लब में जाना चाहती, ना किटी में जाऊंगी, किसी भी किटी पे मैं जाऊंगी तो दूसरों की निंदा करना सीखना पड़ेगी, किसी मंडल में जाएंगे तो मोबाइल के माध्यम से जरा सा संदेश होगा और सुबह 4 बजे से पूरे देश दुनिया को फैलाना शुरू हो जाएगा। मुझे बहुत संस्कारी महिला देखी इस क्षेत्र में, अलबत्ता दूर गांवों से आई है, लेकिन किसी मंडल में नहीं, किसी क्लब में नहीं, किसी पार्टी में रहना ही नहीं है। और आप सोचते किसी क्लब का मेंबर बन जाऊं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा किसी क्लब में नहीं रहना, अगर रहना ही है तो एक अच्छा काम रोज क्लब खोल लीजिए। रोज अच्छा काम करने की आदत बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। दूसरा सूत्र था धैर्य। धैर्य हमेशा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। धैर्य जीवन की द्वितीय संपत्ति है और बहुत कीमती है, ये हमेशा आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। लगन आपको मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। मूल्यवान है जिंदगी का हर लहमा, इसे व्यतीत न करें बल्कि जी भर के जिए। मानुभाव विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना देता है। विश्वास से ज्यादा कीमती कोई और बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं बिना विश्वास का रिश्ता, बिना नेटवर्क के मोबाइल जैसा होता है। विश्वास जगाइए,
और धर्म को ध्वज फहराने का साहस कर लीजिए। नए वर्ष में आप प्रवेश किए हुए हैं महानुभाव, जिंदगी के लिए हंसना भी जरूरी है मगर दिल बुझा हो तो लतीफे अच्छे नहीं लगते। कितने महंगे महंगे मोबाइल आपके हाथ में हो लेकिन लेकिन नेटवर्क ना हो। हम आदिनाथ भगवान के अनुयायी हैं और हमारा मन हमेशा खुश रहता है। हम अपने धैर्य के साथ चलते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं और अच्छी बुद्धि के साथ आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं। जिंदगी के लिए हंसना जरूरी है मगर दिल बुझा हो तो लतीफे। अखबार में बहुत सारे लोगों के चित्र आए और यदि आपका चित्र नहीं आया तो अखबार कोई काम का नहीं। अगर मेरा पिक्चर नहीं आया तो पूरा अखबार पूरा एल्बम बेकार है। और मैं अगर आ गया लेकिन मैं क्या सोचता हूं, खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पर लगाओ अपनी भी उंगलियां महक जाती हैं। हमारी अपनी फोटो अखबार में आए ना आए पर दूसरे की जरूर आना चाहिए। मैं किस हाल में हूं, सामने वाला कितना खुश है प्रसन्न है, इस बात से हमारी जिंदगी में विशेषता आती है। धर्म स्नेह बंधुओं, छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, आगे रोटी पीछे रोटी, बड़ी ऊंची बात है ये, कोई खेल नहीं कहना चाहता हूं आज। आगे रोटी पीछे रोटी, रोटी ऊपर रोटी, रोटी खाकर प्रभु न सुमरे उनकी किस्मत खोटी। आगे रोटी पीछे रोटी, आप सुबह से किस लिए परेशान होते हैं, रोटी के लिए ना। रोटी कमाने जा रहा हूं, अभी आए थे कहते छोटी सी कॉलोनी से आया हूं। आगे रोटी, रोटी तो है ना, पीछे रोटी, रोटी सुंदर दरगाह बिंदार किया गंगण संतण गंजल नेत्र दिया मस्तक भर मुकुट सजाया है श्रद्धा से शीश झुकाया है सज धज कर राज महल आए सब देख देख हर्षाए जब राम रीत भी नष्ट भये केवल ज्ञान की जोड़ जरी रव्यो की रे दे धनी मिली सुख समम शरण सुखदायक है प्रभु आदि जिनी स्वर्गायक है सब जीव सब आते हैं प्रभु वाणी सुन हर साते हैं उपदेश सुदत्त प्रकाश हुआ मुझ श्रावक धर्म विकास हुआ नायक कर्म नचाया है जो आदिनाथ पद पाया है सब जगती का उद्धार किया कैलाश गिरी में हान गया आदि नष्ट किए श्री आदि जिनेश्वर सिद्ध हुए आदिनाथ तेरी महिमा तीन लोग आए नाची धरा पवन दी सर्व कर्म विनाशनाय आगत विघ्न भय निवारणाय श्री आदिना जिनेन्द्राय नमः जय माला पूर्णार्घम निर्पामति स्वाहा श्री आदि जिनेश्वर जिनेसहरो दुख क्लेश चरण नमस्कारी मुनि सौरव सागर पूजा गा पावे पद प्रभु अवतारी प्रखरता भोजन दीपोता सर्विघ्न विनादी हरता तव भक्ति प्रसादात मम कल्याणम सर्वेन्द्र इंद्राणी नाम कल्याणमस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु शुभमस्तु सुकीर्तिरस्तु सद्बुद्धिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु विजयोस्तु सर्वरिद्धि सिद्धि भवतु रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चावत आचार्य श्री ओजाय साधु पूजो बा अरहंत भाषित बेन पूजो दाद शंकर चेगणी पूजो दिगंबर गुरु चरण से भी सब आचायनी सर्वज्ञ भाषित धर्म दस विधि दयामयी पूजो सदा जज भावना सोलह शरतंत्र जा बिना शिव नहीं कदा त्रैलोक के कृतिम कृतिम चेत जत्याले जदु मन मेरु नंदीश्वर जिनाल कचर दुर पूजित वजु कैलाश श्री सम्मेद श्री गिरनार गिर पूजो सदा चंपापुरी पामापुरी सुनियोर तीरथ सर्व
चौबीस तिरजन राज पूजो भी क्षेत्र के नाहु विसर्जन भावई में तुम चरण की शरण दे बंदो तुम्हें कर जोड़ कर उद्धार जा मन मरण दे तीन भवन त्यों काल में तुम सदैव ने और सुकारी संकट रन मूजगल कर जोड़ तुभ्यम नमस्त त्रिभुवन आरती हराय नाथ है तुभ्यम नमे क्षितितला मलभूषणाय तुभ्यम नमस्त त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु वो मंगलम। सब हाथ जोड़ लीजिए। हे जिनेन्द्र देव, हमने भक्तांबर स्तोत्र की 8 दिन महा आराधना करने के पश्चात आज विधि पूर्वक विधान पूर्वक मंत्र पूर्वक इस विधान का मंडल विधान किया। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ ये कार्यक्रम। हम भावना भाते हैं कि धर्म प्रभावना करने वाले ऐसे मंगल आयोजन होते रहें, ताकि जैन धर्म का विस्तार हो। इसी भावना के साथ अब हमें दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।